वेलकम टू होम क्लासेस। वी स्टडी टुडे द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th यूनिट 1 इंटीजर लेक्चर 3 एक्सरसाइज 1.2। लेट्स गो टू द क्लासरूम एंड डिस्कस ऑल दीज अबाउट। हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं एक बार आपके सामने क्लास 7th के मैथमेटिक्स का यूनिट 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं इस यूनिट की, वो ऊपर बने आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज 1.2 में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट, यूनिट जो है हमारा इंटीजर्स है, तो इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो इंटीजर्स की हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, यानी कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए हमने एक 5 लिया एक -3 लिया, तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे, अगर हम 5 प्लस माइनस प्लस करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 -3 दैट इज 2 आएगा। ये जो 2 आया ये हमारे पास इंटीजर है, राइट। अब स्टूडेंट्स और भी कोई नंबर ले लीजिए, और कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने 6 और 3 ले लिया, इनको ऐड कीजिए, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 आता है। और कोई लेना चाहते हो आप, तो मान लेते हैं हम -9 और -3 लेते हैं, इनको भी ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, -9 प्लस -3 इक्वल टू -9 -3 इज -12। ये जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, ये भी इंटीजर है, यहाँ पे 9 भी इंटीजर है, यहाँ पे 2 भी इंटीजर था। दैट इज स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास जो आता है वो इंटीजर ही आता है। क्या आता है, इंटीजर ही आता है। That is, if we add any two integers, the result will be integers. तो इसी को हम कहते हैं कि जो integers हैं वो closure होते हैं under addition. Closure under addition का meaning ये है कि कोई भी दो integers लो, उनको add करो, तो जो resulting number आएगा, हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास integer होगा। That is, अगर a and b any integer हैं, बी एनी टू इंटीजर, कोई भी दो टू इंटीजर ले लेते हैं, राइट, कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, तो ए प्लस बी जो आएगा वो भी इंटीजर होगा। दैट इज, इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन मीन्स एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट इज, addition of any two integer is also an integer. This means closure property hold for integers under operation addition, right? तो second property जो इसकी आती है, closure under subtraction. Students, अगर कोई भी दो हम integers लेते हैं, suppose करते हैं हमने ले लिया एक 20, एक ले लिया 21, तो अगर हम इन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज माइनस करते हैं, 20 माइनस 21 इज -1। अब ये जो नंबर आया -1, ये क्या है, इंटीजर है, राइट, क्योंकि -1 इंटीजर है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर और भी कोई इंटीजर ले लिए जो आपको चाहिए, जो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, कोई भी दो इंटीजर, आप बोलते हो ले लो जी -3 ले लो और -2 ले लो, ये दो इंटीजर हैं, अब इनको भी सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट्स,
सब्ट्रैक्ट किया इनको, देखिए क्या है, माइनस थ्री माइनस एंड माइनस प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू दैट इज एक माइनस में एक प्लस में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस किया तो क्या आया थ्री माइनस टू इज वन, माइनस साइन आया यहाँ पे क्यों, क्योंकि थ्री बड़ा है और थ्री के साथ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो माइनस वन आया ये भी इंटीजर है। स्टूडेंट्स आप कोई और इंटीजर ले लीजिए, सिक्स ले लिया, टेन ले लिया, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिक्स माइनस टेन क्या आएगा, सिक्स माइनस टेन यानी टेन माइनस सिक्स इज फोर। अब माइनस में आएगा कि प्लस में, टेन बड़ा है टेन के साथ क्या लगा है माइनस, तो माइनस आएगा। तो ये जो माइनस फोर आया ये इंटीजर आया, और ले लो कुछ, ले लो फिफ्टीन, ले लो फाइव, करो फिफ्टीन माइनस फाइव क्या आया टेन, क्या ये टेन इंटीजर है, यस टेन इज इंटीजर। इट मींस अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा, दैट इज जो ये इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं अंडर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। दैट इज अगर ए एंड बी एनी टू इंटीजर हैं, कोई भी दो इंटीजर्स हैं, क्या हैं कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करके दैट इज ए माइनस बी जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा, क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। दैट इज जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम होल नंबर में देखते थे या नेचुरल नंबर में देखते थे तो हम जैसे 20 और 21 क्या है नेचुरल नंबर है, और 20 माइनस 21 किया तो हमारे पास माइनस वन आया। देखो माइनस वन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं ना कि नेचुरल नंबर। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पे, ये नेचुरल नंबर या होल नंबर के लिए होल्ड नहीं करती थी, लेकिन जो इंटीजर्स हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन जो है होल्ड करती है। इसलिए क्या कहते हैं हम कि इंटीजर्स जो है क्लोजर होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अगर हम, तो वो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या होता है, देखिए हम दो नंबर दो इंटीजर लेते हैं, सिक्स और टू ले लिया, अब हम इनको ऐड करते हैं, सिक्स प्लस टू आता है हमारे पास एट। अब हम कहते हैं कि सिक्स प्लस टू नहीं करना है, हमने टू प्लस सिक्स करते हैं, क्या आता है एट आता है, दैट इज सिक्स प्लस टू करें या टू प्लस सिक्स करें, आंसर हमारे पास एट आ रहा है, दैट इज सेम आ रहा है। अब और कोई इंटीजर देखते हैं, ये हमने पेयर लिया था, अब और लेते हैं माइनस फाइव माइनस टू ले लिया, अब इनको ऐड करते हैं, माइनस फाइव ऐड किया माइनस टू में क्या आया, देखिए माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस टू कितना आया, माइनस फाइव माइनस टू इज माइनस सेवन। अब स्टूडेंट्स अब हम कहते हैं नहीं यार ऐसे नहीं करना है, माइनस फाइव प्लस माइनस टू नहीं, हम करते हैं माइनस टू प्लस माइनस फाइव, देखिए क्या आएगा, माइनस टू प्लस माइनस माइनस फाइव, माइनस टू माइनस फाइव इज माइनस सेवन, राइट स्टूडेंट्स। दैट इज यहां पे माइनस फाइव प्लस माइनस टू करो या माइनस टू प्लस माइनस फाइव करो, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है माइनस सेवन और माइनस सेवन ये सेम आ रहा है। दैट इज दो इंटीजर्स को हम कैसे भी ऐड करें रिजल्ट हमारे पास सेम आता है, इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हमने दो एग्जांपल ली, अब इसके अलावा और कोई एग्जांपल लेना चाहें आप, हमने क्या लिया एक ये एग्जांपल ही, एक ये एग्जांपल, और भी कोई अगर एग्जांपल लेंगे आप, दो नंबर्स लेंगे दो इंटीजर्स लेंगे उनको किसी भी ऑर्डर में जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा, इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट इज अगर ए एंड बी हमारे पास एनी टू इंटीजर्स हैं, क्या है कोई भी दो इंटीजर्स हैं,
कोई भी इंटीजर्स हैं, राइट। तो ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए के बराबर होगा, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, हमारे पास मान लो, आप पहले कम्यूटेटिव में हमने दो इंटीजर्स लिए थे, अब हम तीन इंटीजर लेते हैं। देखिए, एक ले लेते हैं -5, -2, -3, ये हमने तीन इंटीजर्स ले लिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, -5, -2, सॉरी माइनस प्लस -2, प्लस -3। देखिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। देखिए, आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक समय पे हम दो ही नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तीन को नहीं कर सकते। देखो, इसको और इसको ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसमें ऐड करेंगे, दैट इज एट ए टाइम हम दो ही नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखिए, ये आया -5, प्लस -2, प्लस माइनस -3, राइट। देखिए क्या आया, -5 प्लस -2, -3 इज -5, क्या आया -5। नाउ -5 प्लस माइनस माइनस -5 इक्वल टू -5, -5 इज -10। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, -2 और प्लस माइनस -2 और -3 को ऐड किया, और जो रिजल्ट आया -5 उसको -5 में ऐड किया। नाउ स्टूडेंट्स, हम अब क्या करते हैं, -5 प्लस -2 को ऐड करते हैं, और थर्ड जो है हमारे पास -3, इसको लास्ट में ऐड करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, -5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस, जहां पे क्या आएगा ये ऐसे रखें, प्लस माइनस -3। देखिए स्टूडेंट्स, -5 -2 इज -7 एंड -3, -7 -3 क्या आया, -10। तो स्टूडेंट्स, हमने तीन इंटीजर्स लिए थे, राइट। तीन इंटीजर्स लिए थे, पहले हमने क्या किया, सेकंड वाले का ग्रुप बनाया, दो जो नेक्स्ट लास्ट वाले नंबर से उनका ग्रुप बनाया, उनको ऐड किया, और जो रिजल्ट आया फर्स्ट में ऐड किया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट टू नंबर से जो ये -5 -2 का ग्रुप बनाया, उनको ऐड किया, और जो रिजल्ट आया वो थर्ड में ऐड किया। रिजल्ट हमारे पास -10 आया, और यहाँ पे भी -10 आया, दैट इज रिजल्ट सेम आया। दैट इज वी कैन से दैट इंटीजर्स, थ्री इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में हम ऐड कर सकते हैं थ्री इंटीजर्स को। पहले वाले दो को करें रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड वाले में ऐड करें, जहाँ जो सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाए और उसका जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट में ऐड करें। दैट इज अगर ए बी एंड सी हमारे पास कोई भी तीन इंटीजर्स हैं, थ्री इंटीजर्स हैं, राइट, थ्री इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज दूसरे सेकंड वाले को ऐड करें और हम फर्स्ट वाले को पहले ऐड करें, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। मैंने ये एग्जांपल लिया, आप और कोई एग्जांपल लेके देखें, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि थ्री इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी मैनर, दैट इज हम फर्स्ट टू को ऐड करें जा लास्ट टू को ऐड करें, और रिजल्ट जो है दूसरे में, जो जैसे फर्स्ट लास्ट टू को ऐड किया, रिजल्ट जो है फर्स्ट में ऐड करें, जा फर्स्ट टू को ऐड करें और रिजल्ट थर्ड में ऐड करें, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आता है। इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन। क्या है ऑपरेशन, हमारे पास एडिशन है, ऐड कर रहे हैं हम नंबर्स को, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन के लिए जो है होल्ड करती है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं,
सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लेते हैं, दैट इज माइनस लेते हैं, तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? तो आइए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक -1 ले लिया, ये हमने तीन इंटीजर्स ले लिए हैं। अब हम पहले जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिए की, वहां पे क्या किया था, हमने एडिशन ऑपरेशन किया था, ऐड किया था। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, 5 -2 -1, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, -1, ये तो माइनस में है ना। तो यहाँ पे क्या था, 5 -2 -3, -1, -3 + 1 इज -2, ये आया हमारा। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि यार हमने तो फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट किया, अब हम पहले नेक्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 5 -2 -1, ऐसे करते हैं भाई। अब हम नेक्स्ट वालों को करते हैं, पहले हमने फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाया, अब नेक्स्ट 2 का ग्रुप बनाते हैं। क्या आता है, 5 -2 -2 -1 राइट। तो 5 -3 आया, तो यहां पे आया 2 राइट स्टूडेंट्स। यहां पे क्या आया स्टूडेंट्स, 2 आया। यहां पे देखेंगे 5 -2 + 3 में होता है, यहाँ पे माइंड +3 + 1 रहता है, 4 होता है, यहाँ पे 4 आना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ पे अगर फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाए और रिजल्टिंग जो है उसमें से नेक्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमारे पास 4 आया। तो यहाँ पे सेकंड 2 का ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप नेक्स्ट वाले का ग्रुप बनाए और उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट हमारे पास 2 आता है। दैट इज क्या हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है उसके लिए होल्ड नहीं करती है। दैट इज a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c राइट स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जब हम इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। लेकिन ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये ऑपरेशन एडिशन के लिए होल्ड करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जीरो आता है। देखिए जीरो आता है, क्या आता है, जीरो। ये जो जीरो है अगर किसी भी दूसरे इंटीजर में ऐड करें हम, दैट इज मान लो हम 5 में ऐड करते हैं जीरो, तो क्या आता है, 5 आता है राइट। -5 में ऐड करते हैं जीरो, तो क्या आता है, -5 आता है। 6 में ऐड करते हैं जीरो, तो क्या आता है, 6 आता है। 7 में ऐड करते हैं जीरो, तो क्या आता है, 7 आता है। 100 में ऐड करते हैं जीरो, तो क्या आता है, 100 आता है। लाख में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लाख आएगा। That is, zero is an integer. Zero एक ऐसा integer है जिसको किसी भी दूसरे integer में add करेंगे तो वो integer वही रहेगा, इसलिए zero को कहते हैं additive identity. तो additive identity क्या है integers के लिए, zero. देखिए students, natural number जो पढ़े थे हमने, natural numbers, natural number 1, 2, up to 7, n, that is infinites होते हैं। तो natural number में हमारे पास additive identity नहीं थी, क्यों, क्योंकि हम 1 में क्या ऐड करें भाई कि 1 ना जाए, 0, तो 0 क्या नेचुरल नंबर है, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए नेचुरल नंबर के केस में जो है एडिटिव आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन होल नंबर्स पर जो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते थे, तो 0 जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी होल नंबर में, दैट इज नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी है, कौन है, जीरो है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी इंटीजर में ऐड करें वो नंबर वैसा ही रहता है, इसलिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर इंटीजर्स। तो अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसका है वो क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। दैट इज हमने एक पेयर इंटीजर्स का लिखना है जिसका सम -7 हो, और एक पेयर ऐसा लिखना है जिसका डिफरेंस -10 हो।
और एक ऐसा लिखना है जिसका सम जीरो हो। तो आइए करते हैं इनको बारी बारी से, इसका सलूशन भी करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करते हैं। तो स्टूडेंट सम इज माइनस सेवन, सम मीन्स ऐड करके सेवन आना चाहिए। देखिए हमारे पास माइनस सेवन है आना चाहिए, राइट। तो आप अपनी मन से जो भी चाहे आप नंबर लिख सकते हो, जैसे एक नंबर अपनी मर्जी से लिखेंगे, लिखेंगे 20 भाई। अब 20 में क्या ऐड करें कि हमारे पास माइनस सेवन आए। देखिए माइनस 27 ऐड करेंगे अगर 20 में, तो हमारे पास माइनस सेवन आएगा। दैट इज 20 एंड 20 माइनस 27 क्या है, एक पेयर है, इज ए पेयर। ये पेयर है इंटीजर का, हाफ इंटीजर हुज सम जिसका माइनस सेवन है, राइट। भाई ये तो मैंने एक नंबर लिखा जिनका सम, एक पेयर लिखा जिनका सम जो है माइनस सेवन आएगा। तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स जिनका सम माइनस सेवन। देखिए एक तो अपनी मर्जी से लिखना है, लिख दो जी माइनस सेवन, मैंने लिख दिया माइनस एट, ठीक है। अब इसको सम करके क्या आना चाहिए, माइनस सेवन आना चाहिए। तो भाई इसमें वन ऐड कर दो तो माइनस सेवन आएगा। तो माइनस एट और वन भी एक पेयर हो सकता है, राइट। और भी कुछ हो सकता है, देखिए हमको सम चाहिए माइनस सेवन। भाई 15 प्लस माइनस 21 भी तो हो सकता है ना भाई, 22, 22 हो सकता है। दैट इज 15 और माइनस 22 भी एक पेयर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे पेयर हो सकते हैं जिनका सम माइनस सेवन है, लेकिन हमें सिर्फ एक पेयर पूछा गया। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी डिफरेंस इज माइनस टेन, क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस माइनस टेन आना चाहिए। तो देखिए मैं लिखता हूं टेन, डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, माइनस। टेन में से क्या निकालने, टेन आ जाता है 20, राइट। 20 तो 10 माइनस 20 क्या आ गया, माइनस 10। तो 10 और 20 जो है ये पेयर है इंटीजर का, इज ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस जिनका कितना है, यस माइनस 10 है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए 15 माइनस 5 कितना आया, माइनस 15 माइनस 25, माइनस 10 चाहिए हमें, है ना। तो 15 और माइनस 25 भी हो सकता है। तो इस तरह से 7 और माइनस 17, 7 और माइनस 17 भी हो, 17 भी हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे हो सकते हैं। यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हुज डिफरेंस इज माइनस 10। हमें एक ही पूछा गया है, हम यहां तक ही करेंगे, इसको भी यहां तक करेंगे। नाउ सम इज जीरो, सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए 10 सम क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या करें इसमें ऐड, माइनस 10, 10 माइनस 10 इज जीरो, 5 प्लस माइनस 5 इज जीरो। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, हमें एक पेयर लिखना है। तो हम लिखेंगे 10 माइनस 10 इज ए पेयर, पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का पेयर है हुज सम इज, जिसका सम क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है। इनफाइनाइट नंबर आप हो सकते हैं, यू कैन फाइंड ईच ऑफ देम। हर एक स्टूडेंट्स का आंसर अलग हो सकता है, चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स इट। देखिए हमने क्या लिखना है, नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस 8 आ जाए। देखिए हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, याद रखिए दो नेगेटिव इंटीजर्स। ए पार्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं,
देखिए अगर मैं एक माइनस फाइव लिख लू, राइट, हमने क्या लिखना है, पेयर लिखना है नेगेटिव इंटीजर का, जिनका डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, माइनस में एट आना, सॉरी एट आना चाहिए प्लस में। तो यहां पे अगर मैं -13 लिख लेता हूं, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस, यहां पे देखिए -5 प्लस 13, एक माइनस में एक प्लस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 13 में से 5 निकालो तो 8 आता है, राइट, है ना, 8 आता है और प्लस में आएगा क्योंकि 13 बड़ा है और बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए प्लस में आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -5 -13, ये क्या है, इज ए पेयर है, ये किसका पेयर है, ऑफ इंटीजर्स, ऑफ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्या है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज, जिनका जो डिफरेंस है इज 8 है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने दो किए, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं और भी हो सकते हैं, जैसे -18 है, राइट, -18 और -26 करेंगे तो ये भी 8 आएगा, दैट इज -18 और -26 भी हो सकते हैं, दैट इज राइट। तो इस तरह से और बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपने फाइंड आउट करने हैं, हमें एक ही पूछा गया, हमने एक ही करना है। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट जो है इसका, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज -5, जिनका सम जो है -5 है। देखिए हमने बीच में प्लस करना है, दैट इज दोनों को सम करना है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, लिख दिया -8, राइट, अब सम करके क्या आना चाहिए, -5, सम करके क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, राइट, तो -8 में क्या ऐड करें, -5 आ जाए, है ना, क्या ऐड करें, -3 ऐड कर सकते, अब एक नेगेटिव लिखा दूसरा पॉजिटिव लिखना, ये भी कंडीशन है यहाँ, दूसरा क्या लिखना है, पॉजिटिव, तो 3 लिखेंगे, 3 इज ए पॉजिटिव, हमने कोई माइनस तो नहीं लगाया इसके साथ, -8 प्लस 3 इज -5 होता है ना, 8 में से 3 निकालो -5 आता है, 3 5 आता है, लेकिन साइन जो है बड़े वाले के साथ नेगेटिव, इसलिए -5। तो -8 और 3 जो है पेयर है, ये किसका पेयर है, ऑफ ए नेगेटिव, एक नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर का पेयर है ना, हुज, जिनका जो डिफरेंस है, जिनका सम जो है, सम जिनका सम जो है इज -5, राइट। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप फाइंड आउट कीजिए, और वो सारे कीजिए। सी पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव, एक नेगेटिव लिखना है और एक पॉजिटिव लिखना है जिसका डिफरेंस -3 आ जाए। देखिए डिफरेंस करना है हमने, नेगेटिव लिख लेते हैं -8, कुछ भी लिख लो, -8 लिखना है, -5 लिख लो, -6 लिख लेता हूं, और डिफरेंस करके क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस में 5 आना चाहिए, डिफरेंस करके -5 आना चाहिए, एक हमने नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव लिखना है, तो करो भाई डिफरेंस करके, पॉजिटिव लिख लेते हैं 3, ना सॉरी हमें 5 चाहिए तो 1 लिख सकते हैं, 6 में से 1 निकालें क्योंकि हमें 5 चाहिए, तो 6 में से अगर 1 निकालेंगे तो -5 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि -6 -1 इज -5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे -6 की जगह अगर हम -5 लिखते हैं, -4 लिखते हैं, -4 -1 इज -5, दैट इज हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया -4, एक पॉजिटिव, दैट इज -4 और 1, हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया एक पॉजिटिव, इज ए पेयर, ये पेयर है किसका, ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर का, नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, जिनका जो डिफरेंस है
जिनका डिफरेंस कितना आया स्टूडेंट्स, इज -3, जिनका डिफरेंस जो है -3 नहीं -5 आया, राइट -5 आया। लेकिन हमें तो -3 चाहिए था, अगर -3 चाहिए था यहाँ पे हमने -5 लेके चला, यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या चाहिए, माइनस में 3 चाहिए, तो यहाँ पे आप -3 लिखिए, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे भी -2 लिखेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो माइनस में 3 आएगा। देखिए -2 -1 इज -3, तो इस तरह से हम और भी पेयर लिख सकते हैं, वो आप सोचिए क्या पेयर हो सकते हैं और जिसका डिफरेंस जो है -3 आएगा। लेकिन याद रखना है कि एक नेगेटिव लिखना है और दूसरा पॉजिटिव लिखना है, राइट, तो उनका डिफरेंस निकालना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन देखें इसका। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। क्या होता है कि एक क्विज में टीम ए के स्कोर ये दिए हुए 3 सक्सेसिव राउंड्स में और टीम बी के स्कोर इतने दिए हुए 3 सक्सेसिव राउंड्स में। हमें पूछा गया है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किए और फिर पूछा है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो टीम ए के स्कोर देखेंगे पहले, टीम ए स्कोर कितने हैं, -40, 10 और 0। टोटल स्कोर देखेंगे टीम ए के, टीम ए के टोटल स्कोर देखें वो कितने हैं स्टूडेंट्स, -40 + 10 + 0 -40 + 10 इज -30 + 0 इज -30। तो -30 स्कोर आए टीम ए के, टीम ए के -30 स्कोर। अब देखेंगे टीम बी के स्कोर, टीम बी स्कोर कितने हैं वो, एक में 10 है, देखिए 10, 0, -40, 0 और -40। टोटल टीम बी के टोटल स्कोर देखिए 10 + 0 + -40 कितना है, 10 + -0 तो 10 + 0 इज 10 + -40, 10 - 40 कितना हो गया -30। तो -30 जो है टीम ए के भी स्कोर है, टीम बी के भी स्कोर, राइट स्टूडेंट्स, टीम ए के भी -30 और बी के भी -30, इट मीन्स दोनों स्कोर, दोनों टीम्स ने स्कोर इक्वल स्कोर किए, दैट इज किसी ने भी ज्यादा नहीं लिखी है, बोथ टीम स्कोर इक्वल, दोनों टीम्स ने इक्वल स्कोर किया। फिर है कैन बी एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, देखिए फर्स्ट में देखिए -40 था, इसमें भी -40 था, लेकिन इसको लास्ट में ऐड किया, इसको पहले ऐड किया, तो इसका मतलब है इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, उसमें हम 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो यस We can add integers in any order. किसी भी order में add कर सकते हैं। Now next question, question number 4. Fill in the blanks to make following statement true. ये blanks दी हुई हैं इस question में, आपने इनको भरना है ताकि ये जो statements हैं ये true हो जाए। फर्स्ट ब्लैंक क्या है, -5 + -8 = -8 + -8। देखिए -8 लिखा हुआ है यहाँ, -5 नहीं लिखा। देखिए इसको अगर हम ए माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इधर क्या आना चाहिए था, बी प्लस ए, -8 + -5 आना चाहिए, दैट इज यहाँ पे -5 नहीं लिखा। अब इसको देखिए -3
यहाँ पे इक्वल टू है -53 प्लस, क्या करें -53 ही रहता है। हमें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो ऐड करने तो वो नंबर वही रहता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, 0। तो यहाँ पे देखिए 17 प्लस इक्वल टू 0, 17 में क्या ऐड करें, 0 आता है, -17। अब यहाँ पे देखिए 13 प्लस -12, यहाँ पे भी देखिए 13 लिखा है, -12 भी लिखा है, तो ये -7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे -7। दैट इज, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट टू इंटीजर्स को ऐड किया, फिर उसमें रिजल्ट थर्ड ऐड किया, उस उनका रिजल्ट थर्ड में, इस यहाँ पे सेकंड वाले को दो यानी सेकंड और थर्ड को ऐड किया, रिजल्ट फर्स्ट में ऐड किया, दैट इज ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी माइन देखिए -4 और 15, -4 और 15 लिखा, -3 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे -3 लिख दो। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है इस क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी आपको इन क्वेश्चंस की भी, और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, क्लोजर अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में एडिटिव आइडेंटिटी। तो इनको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, इस वीडियो से पहले वाली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो आपको मिल ही जाएगा। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि ऊपर बने आई बटन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, क्योंकि अब लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है, रोकना नहीं है। तो वीडियोस देखते जाइए और जो असाइनमेंट दी जाती है उसको पढ़ते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अब हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए।